नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज एक बेहद दुखद घटना घटी वसई तालुका कलाकड़ा महोत्सव चीमा जी अप्पाजी ग्राउंड पर, जहां इस महोत्सव के दौरान एक हादसा हुआ। उस हादसे में खो खो स्टैंड जो बनाया हुआ था वो स्टैंड गिर गया। उस स्टैंड के गिरने की वजह से 19 जने जख्मी हुए। और हालांकि किसी तरह की बड़ी दुर्घटना, बड़ा हादसा लोगों के साथ नहीं हुआ, गंभीर चोटें नहीं आई। जैसे ही कलाकड़ा मंडल को इस चीज़ की घटना की जानकारी लगी, तुरंत ही कार्यकर्ता सभी एक्टिव हुए और उन्होंने तुरंत ही सभी घायलों को यहाँ डीएम पेटेस अस्पताल, सरकारी अस्पताल में पहुँचाया। जैसे ही ये घटना घटी, तुरंत वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर, वसई के पूर्व महापौर, प्रथम महापौर राजीव पाटिल, प्रवीण शेट्टी, इस तरह से राजनीतिक पक्ष के लोग और बड़े राजनीतिक नेता तुरंत ही स्पॉट पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही साथ डीएम पेटेल अस्पताल में पहुंचे और उन घायलों के जानकारी ली, उनके इलाज की पूरी जानकारी ली। सुखद बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ा ऐसा मामला नहीं हुआ कि जहां किसी को ज़्यादा इंजरी हुई हो। वहां 19 लोगों को जो इंजरी हुई थी, हल्की चोटें थी, उनको यहाँ ट्रीटमेंट करके घर भेज दिया गया है। इसके पीछे का कारण हमने जानना चाहा तो महापौर प्रवीण शेट्टी ने हमारे चैनल पर इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टैंड की कैपेसिटी से दर्शक थोड़े ज़्यादा हो गए थे और उनमें उत्साह भी था और कहीं ना कहीं उस वजह से ये हादसा हुआ। आने वाले समय में इस तरह के हादसे नहीं हो, इसके लिए वो इस पर ध्यान देने वाले हैं, ऐसा भी कलाकड़ा मंडल की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर को जब हमने पूछा कि क्या स्थिति थी, कितने लोग थे, तो डॉक्टर ने पूरा ब्यौरा दिया, वो आप आगे वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये घटना घटी थी, लेकिन जैसा कि कलाकड़ा महोत्सव ये पिछले 34 सालों से चलता आ रहा है और 34 सालों का इतिहास है कि इस कलाकड़ा महोत्सव में ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी, लेकिन इस साल ये घटना घटी है। तो थोड़ा एक माने में कि घटना घटी वो दुखद घटना है, लेकिन इस पूरे कलाकड़ा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उसको अच्छे से हैंडलिंग किया और यहाँ किसी को बहुत बड़ी गंभीर चोट नहीं आई है। ये एक बहुत अच्छी सुखद बात कही जा सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो लोगों को चोटें आई है उनको फिलहाल घर भेज दिया गया है, लेकिन उनको ये कहा गया है कि अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत खुद हितेंद्र ठाकुर आमदार तक से बात कर सकते हैं या किसी से संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको कुछ रात में ऐसी तकलीफ महसूस होती है तो आगे की भी उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल अपडेट इतना ही है और ये आपको खेल के बारे में अगर जानकारी दे तो कलाकड़ा महोत्सव फिर से अपने वहाँ कंटिन्यू हो चुका है, दूसरे खेल और नाट्य जो भी है वहाँ चालू हो चुके हैं और जो प्रतिस्पर्धा है वो समय रनिंग है। तो ये एक अपडेट आज सामने आई और कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ चिंता का विषय है, वहीं चिंता फिलहाल दूर हो चुकी है और घटना फिलहाल जो भी है वो स्थिति नियंत्रण में है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। वीडियो के अगले पार्ट में आप देखिए क्या कुछ कहा पूर्व महापौर प्रवीण शेट्टी ने और साथ ही साथ डॉक्टर की टीम ने क्या कुछ अपडेट दी। मैं तो सेकंड तो छोड़ने तक
डायरेक्ट रिक्शा की और चौथी सवा कलाकेड़ा का कबड्डी का मैच चालू था और जो टीम खेल रहे थे उनके समर्थक बड़ी संख्या में ग्राउंड पे आए थे और वो जो बालकनी थी उसमें बड़ी संख्या में वो उनके समर्थक जल्लोश के साथ नाच रहे थे, तो उसमें वो थोड़ा एक पार्ट उसका गिर गया, तो उसमें थोड़े लोगों का लगा था। हमारे उधर 15 पेशेंट आए थे, सब नॉर्मल है और उनको सबको ट्रीटमेंट देके फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट दिया, उनको ट्रीटमेंट देके उनके घर पे उनके पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। किसी को कोई गंभीर तरह की कोई गंभीर पेशेंट नहीं है उसमें, एक भी गंभीर नहीं है, सब 15 के 15 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। ऐसे बड़े आयोजन में कभी कभी इस तरह की घटना हो जाती है जैसा हमारे सामने आया? अभी देखो उनके समर्थक बड़ी संख्या में आते हैं, जल्लोश में शामिल हो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इसकी जो हमारी कमी है वो हम कमियाँ को दूर करके उसके भी बारे में खबरदारी ली जाएगी। मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि इसके लिए आगे भी इस तरह के नहीं हो, आप क्या संदेश इन खिलाड़ियों को या इनके साथ आने वाले इनके समर्थकों को देना है? नहीं, इनके समर्थकों को तो हम देंगे, लेकिन हमारे में जो कमी है वो हम पहले दूर करेंगे। हॉस्पिटल में जो कलाक्रीड़ा में हादसा हुआ 7:15 के बीच में, उसमें जितने लोगों को प्रॉब्लम हुए थे वो हमारे पास आए, तो उसके बाद हमारे डॉक्टर असलम ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने उनको अटेंड किया, उसके बारे में आपको हमारे डॉक्टर यहाँ पे जानकारी देंगे। जी डॉक्टर साहब, देखो कैमरा कॉलर में इनकी क्या परिस्थिति थी, उसमें गंभीर किसी को लगा था क्या था कुछ जंग? देखिए अराउंड 7:15 को 7:15 कैजुअलिटी शुरू हो गई थी, कुल टोटल 19 पेशेंट थे, 19, इसमें मेजर एक ही इंजरी नहीं थी, सबको थोड़ा CLW जैसा हम थोड़ा सा इंजरी थे, कुछ ऐसा चोट जैसा एब्रेजन जैसे थे और सबका एक्सरे नॉर्मल है, हमारी पूरी ऑर्थोपेडिक टीम और दो पेशेंट को ऐसे थोड़ा एब्डोमेन पेन था जैसा ब्लंट ट्रॉमा जैसे किसे कहते हैं, तो दोनों को भी सोनोग्राफी अर्जेंटली किए हैं, सोनोग्राफी भी दोनों का नॉर्मल है, सब पेशेंट डिस्चार्ज भी दिए हैं। कोई भी पेशेंट अभी खतरे में नहीं है? कोई पेशेंट खतरे में नहीं है, मामूली सी चोट थी, सबको इंजरी के लिए जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है वो देकर उनको घर पर रवाना किया है। तो कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है? नियंत्रण में है, कोई भी पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, कोई भी मेजर ऐसा इंजरी नहीं। पेशेंट में किसी उम्र विशेष के थे या बच्चे भी कोई शामिल थे? हाँ, मोस्टली फीमेल पेशेंट ज़्यादा था, मेल पेशेंट कम था, और 3-4 बच्चे थे उसमें, उनको भी ज़्यादा इंजरी नहीं है। इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कीजिए, धन्यवाद। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें, धन्यवाद।